जी नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू फिर एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बात करेंगे होंडा की एक्टिवा 6G के बारे में और इसका ऑन रोड प्राइस क्या आएगा और साथ ही साथ इसका EMI क्या आएगा, कितना आपको फाइल चार्ज देना पड़ेगा, कितना का लोन होगा और कितने दिनों के लिए लोन होगा, इस सब की जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो आइए वीडियो चालू करते हैं। दोस्तों वीडियो चालू करने से पहले आप लोग हमारे अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे कि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों अगर आप प्लान कर रहे हैं होंडा की एक्टिवा 6G लेने का और फाइनेंस पे, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल होगी क्योंकि आपको हम इसमें बताएंगे एक्टिवा 6G के फाइनेंस के बारे में कि क्या EMI और क्या इंटरेस्ट आएगा। तो ऐसे तो होंडा आपको एक्टिवा 6G में दो वेरिएंट दे रही है, एक आपको स्टैंडर्ड और एक DLX। स्टैंडर्ड वेरिएंट का आपको ऑन रोड प्राइस 76,722 रुपये है, वही आपको DLX वर्जन का आपको 78,355 रुपया है। तो आज हम बात करेंगे स्टैंडर्ड वेरिएंट का और इसी का EMI कैलकुलेशन करके आपको प्रोसेसिंग चार्ज और रेट ऑफ इंटरेस्ट हर एक चीज़ की जानकारी देंगे। तो आइए बताते हैं। जैसा कि दोस्तों आपको 76,522 रुपये आपका इसका ऑन रोड प्राइस है अगर आप गाड़ी कैश पे ले रहे हैं, तब इसमें आपको 500 रुपये का हाइपोथिकेशन बढ़ जाता है। उसके बाद ये गाड़ी आपको फाइनेंस पे हो जाती है 77,222 रुपये की। अगर हम इसमें आपको जो लोन करते हैं इसका आपको 6.99 का आपको मैक्सिमम लोन अमाउंट जो होता है वो 60,000 तक ही होता है, तो इसमें हम 60,000 का लोन करेंगे तो आपका जो मार्जिन मनी होगा वो आपको 17,222 रुपया आपका आ जाएगा। फिर हम आपका ये प्रोसेसिंग का कैलकुलेशन करेंगे, तो प्रोसेसिंग का कैलकुलेशन करने का एकदम सिंपल सा आपको फंडा है, और भी कंपनी का अलग अलग होता है प्रोसेसिंग निकालने का और सबका अलग अलग है, जैसे किसी कंपनी का 3, 3.5, 4, 2 इस टाइप का होता है। तो हम इसमें निकालेंगे आपको 3.5% प्लस आपका 2000 स्टाम्प और इसे सब इंक्लूड करके, तो 60,000 का 3.5% प्लस 2000 करेंगे तो इसमें आपको 4100 रुपये का प्रोसेसिंग चार्ज लग जाएगा। फिर जब आप प्रोसेसिंग चार्ज और मार्जिन मनी जोड़ते हैं तो फिर आपका डाउन पेमेंट निकलता है, जो कि आपका डाउन पेमेंट होगा 21,322। फिर हम कैलकुलेशन करेंगे आपका 60,000 जो आप लोन ले रहे हैं किसी कंपनी से, तो उसका आपको 6.99% में कितना आएगा। तो इसका कैलकुलेशन काफ़ी फंडा एकदम सिंपल है दोस्तों जी। इसके लिए आपको करना क्या होगा, बस 60,000 का आपको 6.99% आपको 15 महीने के लिए निकालना होगा। 6.99 का 15 महीने में आप जब कैलकुलेशन करेंगे तो फिर आपका EMI आएगा 4349 रुपये का। तो 4349 रुपये का EMI, पहला तो इसमें हम एक आपका जो डाउन पेमेंट होगा उसमें EMI आपका इंक्लूड हो जाएगा, क्योंकि 6.99 जो स्कीम है इसमें आपको एक EMI पहले एडवांस करना होता है और फिर आपका बचा 14 महीने का, तो वो आपको 14 महीने में पेमेंट करना पड़ेगा। तो जब हम अपना डाउन पेमेंट में एक EMI एडवांस करेंगे तो हमारा डाउन पेमेंट आपका हो जाएगा 25,671 रुपया, और हमारा जो 14 महीने के लिए EMI होगा वो आपको 4349 रुपया 14 महीने के लिए हो जाएगा। तो ये रहा दोस्तों हमारा 6.99 का स्कीम। इसके अलावा दोस्तों अगर आप इसको बढ़ाना चाहते हैं, जैसे 14 ना करके आप 24 करना चाहते हैं, 30 करना चाहते हैं, तो उस सिचुएशन में आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो बढ़ जाएगा। जैसे आप 24 महीने के लिए लीजिएगा तो फिर उसमें आपका 10 point something ये आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट लग जाएगा। तो अलग अलग बैंकों का अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट और प्रोसेसिंग चार्ज होता है। तो दोस्तों बात करते हैं अब इसमें डॉक्यूमेंट की कि इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो पहला दोस्तों इसमें आपको 3 piece चेक लगेगा और 4 piece आपको फ़ोटो लगेगा, साथ में साथ आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक पासबुक 6 महीने का अपडेट होना ज़रूरी है। अगर इतना डॉक्यूमेंट आपको है और अगर आप 25,000 तक डाउन पेमेंट कर रहे हैं तो आपको 6.99 स्कीम में आपको ये लाभ मिल सकता है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा या फिर फाइनेंस संबंधित कोई भी आपको जानकारी हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं।
या फिर आप हमें कॉल कर सकते हैं। जब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।